वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अभी सुबह सुबह बज रहे हैं अभी 10, आज थोड़ा लेट हो गया, डीजल भरवाने गए थे और ये कल्टीवेटर चला नहीं। इसमें देखिए ये ऐसे पूरा इकट्ठा करके जला देंगे और इसके ऊपर कल्टीवेटर चला देंगे। ये छोटा छोटा है तो करते हैं साथ एक साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये जो है कॉटन का जो उखड़ा हुआ पेड़ है वो जल नहीं रहा है, दो दिन लगेंगे क्योंकि ये थोड़ा नीला है इसलिए। तो अभी मैं ट्रैक्टर उधर रखने के लिए जा रहा हूँ, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है, बाद में इसको कल्टीवेटर चला देंगे। अभी तो इधर प्लांट्स में पानी चलाना है, उससे पहले दवा छिड़कनी है हिप्स की, तो इग्निटस आती है वो, तो मैं देखता हूँ क्या होता है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, दवा चालू करवाते हैं। दोस्तों अभी हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। ये देखिए घर पे पिज़्ज़ा बनाने का कुछ माहौल ही अलग है। ये सब सब्जी काट के रखी है और ये प्याज पेस्ट है, इसका मसाला है पिज़्ज़ा का और इसमें हम बनाएंगे। अभी इसमें मसाला डाल दिया है, देखो ये ऊपर चीज़ अब ये तैयार हो गया। अब इसको जलाना पड़ेगा, ये जलाते हैं इसको। अभी इसके ऊपर पहले थोड़ा चीज डालेंगे, पनीर डालेंगे, सॉरी बटर भूल जाते हैं पता नहीं। तो गैस कीजिए, किसके हाथ है कुछ लोग होते हैं जो कैमरा सामने आता है तो शर्माते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। अभी ये गर्म हो चुका है और ये हमारी छोटी लड़की है, सो बने रहो हाजो। अभी इसको ढक दिया है पूरा ओवन की तरह, गर्म हो जाएगा। दोस्तों ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, देखिए एकदम ओवन की तरह एकदम कंप्लीट हो गया है। देखिए अभी आपको खा के बताऊंगा कैसा है। अभी खा के बताऊंगा कैसा है, तो चलिए कल मिलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको, कैसे हो। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं इधर वाड़ी पे आ गया हूँ। ये हमारा जो कमलेस है आदमी, उसको लेके जाना है उस वाड़ी पे, दवा का स्प्रे करना है बाल में। तो ये देखिए पूरा कॉटन का निकल दिया है अभी यहाँ पे, ऐसे थोड़े थोड़े इकट्ठा करके रख दिए हैं। तो अभी 2 दिन में इसको जला देंगे या तो बाहर फेंक देंगे, अभी जलाने का बेस्ट रहेगा क्योंकि बाहर तो जगह कम है, सभी जगहों पर रास्ते हैं तो वहाँ पर फेंक नहीं सकते। देखते हैं क्या होता है, अगर जल जाए तो जला देंगे, फिर उसके ऊपर कल्टीवेटर चला देंगे। कल लेके आया था मैं कल्टीवेटर लेकिन थोड़ा वो था इसलिए नहीं चल सका। तो अभी कल या परसों कल्टीवेटर चला देंगे, तो अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा। बाबू काका वो अपना साफ कर रहे हैं इधर बांधा, तो देखने के लिए फिर बाद में उस वाड़ी पर जाऊँगा थोड़ा 9 बजे तक, क्योंकि वहाँ पर पम्प चार्जिंग के लिए रखा है वो घर पर, तो वो भी हो जाए और इसको भी ले कर जाए। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। आज थोड़ा ओस जैसा लग रहा है, थोड़ा है 20-30% ह्यूमिडिटी है शायद, तो लगता है अभी थोड़े दिनों में ओस आने लगेगा क्योंकि अभी ओस चाहिए। और जो हमने मैंगो प्लांट्स में जो कल में लगाई हैं उसके लिए भी ओस होगा तो अच्छी तरह से चिपकेंगी और एकदम परफेक्ट ग्रो करेगी। ओस ज़रूरी, अभी शायद 2-1.5 महीना हुआ, 2 दिन ही ओस आया था, बाकी तो सब ड्राई एटमोसफियर था सभी जगहों पे। तो अभी देखते हैं, तो बाबू काका शायद आए नहीं है, क्या है क्या नहीं है देख लेता हूँ। नहीं आए वो, वहाँ पे गएंगे चाय पीने के लिए, उसके उसका जो दामाद का वाड़ी है उधर चाय पीने के लिए जाते हैं बार बार, कोई बात नहीं।
ये देखिए पूरा साफ कर दिया है इधर। वहाँ तक पहुँचे हैं, ये पूरा साफ कर दिया देखिए, ये पूरा उधर कैसा था ये सब कचरा निकला है देखिए। ये प्लांट सूख गया है या लगता है मुझे नहीं निकल रहा है, पत्ते सारे वो हो गए हैं, पानी देना पड़ेगा इसको, तभी थोड़ा थोड़ा फ्लावरिंग आने लगा है कहीं कहीं। इसमें मुझे एक बोल रहा था कि बोरॉन छिड़को तो फ्लावरिंग जल्दी आएगा, देखते हैं क्या होता है, ट्राई तो करना पड़ेगा अभी क्योंकि फ्लावरिंग तो चाहिए फ्रूट के लिए, वरना फ्रूट नहीं होंगे। अभी आ रहा है थोड़े थोड़े में फ्लावरिंग, अभी आगे देख के आता हूँ क्या होता है। तो चलिए आगे थोड़ा राउंड मार लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे उस वाड़ी पे, फिर देखेंगे क्या होता है। तो दोस्तों हमारे शैलेश भाई के यहाँ पे न्यू बेबी फीमेल बछड़ा है, इस गाय का है, अभी 8 दिन हुए हैं, 1 वीक का छोटा है, कितना क्यूट है देखिए। तो अभी हम दवा स्प्रे करने का चालू करेंगे, यहाँ पे ब्लैक बेल्ट आता है वो वहाँ पे रखा है, तो पंप यहाँ पे चार्जिंग पे रखा है वो लेके, अभी स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर वहाँ पे मैंने चना डाला हुआ है तो उसको भी हार्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे जाएंगे, तो चलिए वो काम करके फिर बाद में मिलते हैं। हेलो कैसे हो आप लोग, तो अभी बज रहे हैं 6:15 और शाम का वक्त हो गया है, मैं उस वाड़ी पे गया था, थोड़ा काम था तो देर हो गई थोड़ी, तो आज वीडियो भी शूट नहीं हो सका, अभी 2 दिन का व्लॉग है तो 8-10 मिनट का बन जाएगा। तो चलिए आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल नए व्लॉग में। और हाँ, कल हमें राजस्थान टूर पे भी जाना है तो शाम को अलग व्लॉग बनाएंगे। तो चलिए सबको जय हिंद।